नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज। आज अरुणाचल में देश को मिलने जा रही सेला टनल, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, तवांग से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली बैठक, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार बैठक में रहे मौजूद। एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार अमित शाह का आज बिहार दौरा, बीजेपी के नेता रहे कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, बीजेपी ओबीसी मोर्चे की जनसभा को करेंगे संबोधित। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली मजाक बनकर रह गया है गुपकारगढ़, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले को बताया निराशाजनक। लोकसभा चुनाव से पहले ओवैसी का नया दांव, नौजवानों को लुभाने के लिए जिम में बहाया पसीना, एक हाथ से उठाया 32 किलो का वजन। कांग्रेस ने जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, वायनाड से राहुल गांधी का नाम तय, शशि थरूर को भी मिला टिकट, अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर नामों का किया ऐलान, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू और जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया लड़ेंगे चुनाव। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, चुनावी बैठक में होंगे शामिल, कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रबोध सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। छतरपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, कहा खजुराहो के मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार, मंदिरों में पूजा के लिए गृहमंत्री को लिखेंगे पत्र, फसल नुकसान का जल्द मुआवजा देगी सरकार। रायपुर में आज बीजेपी का किसान महासम्मेलन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल, सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा किसान हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ में फिल्म आर्टिकल 370 हुई टैक्स फ्री, मंत्रियों और विधायकों के साथ सीएम साय ने देखी फिल्म, आम लोगों से भी की फिल्म देखने की अपील। फिल्म आर्टिकल 370 टैक्स फ्री होने पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी पर ब्रांडिंग करने का लगाया आरोप, बीजेपी बोली कांग्रेस ने देश तोड़ने का किया काम। नक्सलियों से सीएम साय की अपील, नक्सलवाद का रास्ता छोड़ संवाद के लिए आगे आए, कोई परेशानी हो तो बताएं। एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी, भारत ने की 10,000 सैनिकों की तैनाती, बौखलाया चीन, बोला ऐसे नहीं आ सकती शांति। भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर मुइज्जू पर बरसे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, बोले बॉयकॉट कैंपेन का मालदीव पर बुरा असर, भारत को मालदीव की तरफ से कहा सॉरी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सरकार का फैसला, स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, अप्रैल जून तिमाही के लिए ब्याज दरें स्थिर रखी। 20 मई को शुरू होगी भारत की अगली स्पेक्ट्रम नीलामी, 96,000 करोड़ के बेस प्राइस पर होगी नीलामी। फरवरी में इक्विटी फंडों में निवेश में 23% की बढ़ोतरी, एसआईपी के जरिए निवेश रिकॉर्ड 19,186 करोड़ पर पहुंचा। देश में बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, मार्च के पहले हफ्ते में 6.55 अरब डॉलर की हुई बढ़त। धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, दूसरे दिन भारत ने बनाए 8 विकेट पर 473 रन, इंग्लैंड पर 255 रनों की बढ़त।